इटावा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैदपुर नगला पीर में 16 मई की रात आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की हत्या को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया था। मृतका के पति के दो चचेरे भाई ने उसकी संपत्ति हड़पने के इरादे से खेत पर खरबूज चोरी होने के बहाने से बुलाया और तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोपित दोनों चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि 16 मई की रात में ग्राम नगला पीर में एक खरबूजे के खेत में महिला की गोली मारकर हत्या की सूचना मिली थी। बाद में मृतका के पति रामनिवास की तहरीर सूचना के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीमों के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही थी। इस क्रम में गुरुवार को थाना सिविल लाइन पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी एक आलू फार्म की खाली खेतों में झाड़ियों में बैठे हैं। इस पर दोनों लोगों की घेराबंदी करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम श्री कृष्ण पाल श्री पाल पुत्र पूरन लाल निवासी नगला पीर बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि उन दोनों ने अपने चचेरे भाई रामनिवास की पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतिका सुधा ने आरोपियों की नियत को भांप लिया था। दोनों आरोपी श्री कृष्ण बांसुरी पाल ने बताया कि सुधा चचेरे भाई रामनिवास की पत्नी थी। इसका स्वभाव काफी सरल था। इसी का फायदा लेकर वे दोनों भाई उसकी संपत्ति को रखना चाहते थे, जिसका सुधा को पता चल गया था। आज थाना सिविल लाइन्स द्वारा दिनांक 16/5/2021 को एक महिला के खरबूजे के खेत में गोली मारकर हत्या कर दिए होने की घटना का आज सफल अनावरण किया है। और इस घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल दो अभियुक्त श्रीकृष्ण और श्रीपाल की जो गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार अभियुक्तों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा यह बताया गया कि सुधा, जो कि मृतका उनके चचेरे भाई रामनिवास की पत्नी थी, और इनका चचेरा भाई जो मृतका का पति था वह एक सरल स्वभाव का व्यक्ति था। इसी का फायदा लेकर ये दोनों भाई उसकी संपत्ति को हड़पना चाहते थे, जिसका पता मृतका सुधा को जो है चल गया था, और इसी के कारण उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए इन दोनों ने दिनांक 16/5/2021 को योजनाबद्ध तरीके से जो मृतका थी उसको अपने खेत पर कुछ अज्ञात चोरों द्वारा खरबूज के खेत में खरबूज की चोरी करने की सूचना देकर उसे खेत पर उसे बुलाया और उसकी जो है तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दी थी। अभियुक्तों की निशानदेही से घटनास्थल के पास ही ट्यूबवेल के पास हत्या में प्रयुक्त एक तमंचा जो है वो भी इसमें बरामद किया गया है। और घटना में की जो अग्रिम विवेचना है वो थाना जो है सिविल लाइन से प्रचलित है।